फिजिक्स का एक और लेक्चर आपको होम सर ने लिया रहा होगा। यस सर। यस सर। क्या बताया था सर ने? वेक्टर्स के बारे में था। हाँ, सर ने वेक्टर शुरू किया। ठीक है, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हम लोग क्या है कि आपको दो सर पढ़ाएंगे एक साथ। एक वो सर जो इन्होंने वेक्टर स्टार्ट किया, सोम सर, और मैं स्टार्ट करूंगा काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स को क्या कहते हैं, बुक में ढूंढने जाओगे तो ऐसा कोई चैप्टर का नाम नहीं मिलेगा। इसके क्रॉस्पॉन्डिंग जो चैप्टर्स के नाम बुक में मिलते हैं वो होता है मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन टू डायमेंशन। इस तरह के चैप्टर जो एनसीईआरटी में या स्टेट बोर्ड की बुक में मिलते हैं, वो सारे चैप्टर को मिला के हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, तो आप लोग क्या, बहुत बच्चे ऐसे हैं कि हम तो मेंस में और सीईटी में ऐसे कोई चैप्टर का नाम सुने ही नहीं। तो ऐसा कोई चैप्टर का इस तरह का नाम नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, रिलेटिव मोशन, इस तरह के जितने टॉपिक देखते हो बुक में, इस सबको कंबाइंड टुगेदर हम लोग नाम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो जो जो आप लोग थोड़ा बहुत स्कूल में नाम सुन चुके होगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे नाम सुन चुके हो, यस तो ये सारे क्या होते हैं? मेरा ऐसा भी स्क्रीनशॉट हो सकता है सर। हाँ, इन सबको क्या कहते हैं? ऐसा भी स्क्रीनशॉट हो सकता है। ऐसा भी स्क्रीनशॉट फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसा करना। नहीं, इन सबको कहते हैं काइनेमेटिक वेरिएबल्स। बेसिक काइनेमेटिक्स वेरिएबल्स। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी दूसरी चीज होती है, ये नहीं होती है। तो ये सब जो आप लोग पढ़ते थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस तरह का जो जो नाम, ऑल दिस वी कॉल इट एज काइनेमेटिक वेरिएबल्स। तो आज हम लोग उसी काइनेमेटिक वेरिएबल्स को समझेंगे। इसमें सबसे पहला टर्म है जिसको बोलते हैं डिस्टेंस। क्या होता है बताएगा कोई? वेरी एक्चुअल पाथ लेंथ। गुड। और एक दूसरा टर्म होता है सिमिलर सा, सिमिलर साउंड करता है, जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में क्या फर्क है? एक्चुअल पाथ लेंथ और एक दूसरा शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस, मीटर। शॉर्टेस्ट पाथ और डिस्टेंस एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ। वेरी गुड। ये सब स्कूल में पढ़े थे आप लोग? यस सर। अरे वाह, यस ठीक है। तो जरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को केवल समझते हैं अभी। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट बोल दीजिए या पार्टिकल बोल दीजिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के हजारों रास्ते हो सकते हैं। यस सर। कोई ऐसे गया, कोई ऐसे गया, यस। ये सेकंड पार्ट हो गया। मैंने नहीं डाला, मैं तो रात को यूज भी नहीं करती, रात को ओ मेरा सिर्फ सुबह ही एयरफोन का काम आता है। घर में बात मत कर, म्यूट कर दूंगा। तो इन दोनों पाथ में आपको जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो दिख रहा है ए टू बी वाया सी जाने में या डायरेक्टली ए से बी कर्व पाथ में जाने में अलग अलग पाथ लेंथ होगा। यस सर। तो डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ।
अब ऐसे सोचो, किसी ने तुमको ए पर देखा और थोड़ी देर के बाद उसने तुम्हें बी पर देखा, उसको नहीं पता तुम कैसे गए, तो उसके लिए तो आप ए से सीधा बी तक पहुंच गए। यस सर। तो वो आपको अगर आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करेगा तो वो बताएगा कि पहले यहाँ था अब यहाँ है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, जिसको आप लोग शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कहते हैं, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत किसी को? नो नो सर। सो डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, जैसा आप लोगों ने मुझे सिखाया मैं भी सीख गया, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कह सकते हैं ऐसा? यस सर। तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों मेजर होगा मीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, ऐसा ही कुछ होगा। यस सर। तो दोनों का जो स्टैंडर्ड यूनिट है, चाहे वो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, जो एसआई यूनिट है वो क्या है? एसआई यूनिट मीटर। मीटर है। अच्छा, जैसा सोम सर ने आपको थोड़ा बहुत वेक्टर का हिंट दिया होगा, तो उसके हिसाब से बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, मुझे लगता है इंटरनेट मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, वो कल से बारिश हो रही थी तो कल से कुछ प्रॉब्लम है। स्क्रीन दिख रहा है आपको, नोटबुक वाला? हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। यस सर। ठीक है, मैं पूछ रहा था कि डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये आइडिया आप लोगों को है पहले से? यस सर। यस सर। सर मैं नहीं था वो लेक्चर में, स्केलर और वेक्टर वाले। मैं भी नहीं था उस लेक्चर में बेटा।
हम दोनों नहीं थे। वेक्टर स्केलर के लेक्चर से कोई लेना देना नहीं है। स्कूल में वेक्टर स्केलर थोड़ा बहुत मालूम है कि वेक्टर का डायरेक्शन होता है, स्केलर का डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होता है, ये सब बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलोगे। हाँ सर। ठीक है, चलो पहले इतना कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी आवाज आ रही है इतना नॉइज। कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस सर। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो आप लोग ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझ पाए कि नहीं, अभी पता चल जाएगा। लिख लिया है सबने ना? यस सर। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ पाए कि नहीं, उसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, मतलब पहले यहां था अब यहां पहुंच गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है? यस सर। तो ये जिस सर्कुलर पाथ पर गया उसका रेडियस आर है, और ये जो एंगल है वो है थीटा डिग्री। ठीक है, आपको ढूंढना है, फाइंड क्वेश्चन ए, डिस्टेंस। क्वेश्चन बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। Moving from A to B. Question समझने में किसी को कोई दिक्कत है? No. जल्दी से बताइए मुझे सॉल्व करके फिर।
अरे तुम लोग आप क्या AB is the actual distance and OB is the displacement. Value, value बताओ, उतना तो सबको पता है। और OB displacement कहाँ है? Point A से चलना शुरू किया ना? Distance is pi r to theta upon yt. यार तुम लोग गजब हो, कॉमन सेंस गायब है क्या तुम लोगों में? म्यूट कर लो, अगर घर में आसपास नॉइज है तो खुद को म्यूट कर लीजिए। डिस्टेंस इज पाई आर इनटू थीटा अपॉन 180। हाँ, डिस्टेंस कितना बताया, फिर से बोलो बेटा। पाई आर इनटू थीटा अपॉन 180। वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट बताइए। चलो देखो, इधर समझ गया मैं। देखो डिस्टेंस क्या होगा, आर्क लेंथ ए बी होगा, आया ना? हाँ सर। सो डिस्टेंस इज आर्क लेंथ ए बी। So distance is arc length AB. हाँ सर। अच्छा, तो जब complete circle होता है तब ये arc length 2 pi r होता है? सर pi r होगा। सर pi r होगा। Complete circle पूरा होता है तो ये लेंथ 2 पाई आर होता है पेरिमीटर? यस सर। तो 2 पाई आर होता है 360 डिग्री में, तो 1 डिग्री में 2 पाई आर अपॉन 360। तो थीटा डिग्री में मल्टीप्लाइड बाय थीटा, यही आर्क लेंथ होगा? हाँ सर। तो आंसर इज पाई आर इनटू थीटा अपॉन 180। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं। बी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लाइन जॉइनिंग ए एंड बी? होगा यस सर।
ये जो ए टू बी का लाइन ज्वाइनिंग है वो लेंथ कैसे निकालेंगे? सर इस डायग्राम में मुझे क्या चाहिए? तो मुझे इसका लेंथ चाहिए ए बी, यही मतलब है ना? यस सर। तो कैसे मिलेगा ये? बताओ, ये तो बेसिक ज्योमेट्री है, 9th-10th में पढ़े होगे, कोई फिजिक्स तो ना है ये? बोलो सर, ये भी ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये एंगल थीटा है, ये OA डिस्टेंस R है, और ये OB डिस्टेंस ये भी R है। तो किसी भी ट्रायंगल का दो साइड और एक में एंगल मालूम है तो तीसरा साइड बता सकते हैं? तो बताओ तो ये भी कितना होगा? अब तो मैंने ड्रॉ कर दिया सब। खुद बताओ, मैं नहीं बताने वाला, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। नहीं बता पा रहे हो तो इस डायग्राम को और तुम्हारे हिसाब से कर देता हूं। इसको आपके लिए मैं मान लीजिए ऐसा कर देता हूं। चलो अब अगर नहीं बताए तो पिटूंगा। डायग्राम को थोड़ा टेढ़ा सीधा कर दो, सीधा मतलब तब शायद आपके दिमाग में कहीं बैठे। इसको मैं ओ कह देता हूं, इसको ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूँ। एक ही बात है, डायग्राम को घुमा दिया है मैंने। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल कहाँ है सर? आइसोसेलिस। आइसोसेलिस ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है। तो मुझे ए बी चाहिए, तो अब ए बी का लेंथ बता सकते हो? बेसिक ज्योमेट्री लगाओ 9th-10th का। बोलो कौन बताएगा? डिस्प्लेसमेंट इज 2r sin θ/2। हाँ वेरी गुड, ये सही है। तो देखो आइसोसेल्स ट्रायंगल में इतना तो पढ़े होगे कि जो लाइन बाइसेक्टर, जो एंगल बाइसेक्टर होता है वही इसका लाइन बाइसेक्टर होता है। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। तो अगर मुझे ए टू एम मिल गया तो एम टू बी भी मिल जाएगा। मिलेगा? Yes, sir. तो अब तो कर सकते हो शायद कि नहीं? बोलो बोलो, कर सकते हो? चलो ये एंगल मान लो अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा है,
सो 2 अल्फा प्लस थीटा मिलाकर 180 डिग्री होगा। हाँ सर 180 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2 हो जाएगी। यस। तो ट्रायंगल OAM में इन ट्रायंगल OAM हम लिख सकते हैं cos alpha is equal to AM upon R, ऐसा लिख सकते हैं। तो AM मुझे क्या मिल गया, R cos alpha सर। तो AB कितना हो जाएगा, इसी का डबल होगा। यस सर। तो AB मेरा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ R cos alpha। अब क्वेश्चन में अल्फा तो नहीं थीटा दिया हुआ है। yes. तो अल्फा की वैल्यू 90 माइनस थीटा बाई 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कॉस 90 माइनस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, जल्दी कर लो। हो गया, आगे बढ़ूं? नो सर। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों बात समझ आ गई। ये जो आर्क लेंथ AB है, किसी बच्चे ने चैट में पूछा है डिस्टेंस क्या है फिगर में, ओ भाई साहब ये जो आर्क लेंथ ए टू बी है, ये जो ब्लू वाला आर्क लेंथ ए बी है, ये ब्लू वाला आर्क लेंथ ए बी डिस्टेंस है। और ये जो ग्रीन वाला स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है। समझा, जिसने पूछा था चैट में। बोल बेटा।
यस, किसने पूछा था? यस, आया समझ में? बोलना सर। यस ने बोला अभी। यस सर। ठीक है, चलो तो दो क्वांटिटी देखा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब तीसरा फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, जिसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। स्कूल में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़े थे? यस सर। तो वो जो स्कूल में डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़े थे, जिसको स्पीड आप कहते थे, एक्चुअल में वो स्पीड नहीं, एवरेज स्पीड थी। एवरेज स्पीड इसीलिए क्योंकि मान लो, जस्ट ऐसे समझो, तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है फॉर एग्जाम्पल, एंड यू यूजुअली टेक 1 आवर टू रीच देयर, तो तुम क्या बोलोगे कि माय स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर, ऐसा बोलोगे? No. बोलो no. अगर तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल 5 किलोमीटर पर है, वो जाने में तुम्हें 1 घंटा लगता है, तो तुम क्या बोलोगे? मेरी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, यही बोलोगे? हाँ या ना, कुछ तो बोल। यस सर। अच्छा अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे 1 घंटे तक हमेशा आप इसी स्पीड से चल रहे थे, ऐसा नहीं है ना? हाँ सर। बीच में जहां कहीं भी आपको ट्रैफिक कम मिला होगा, रास्ते खाली मिले होंगे, वहां पर आपका स्पीड इंक्रीज कर गया होगा? यस सर। और जहां पर जाम मिला होगा, वहां पे डिक्रीज कर गया होगा? रेड लाइट पे रुक भी गए होंगे। तो ये जो तरीका है निकालने का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस तरीका में जाने अनजाने हम लोग एवरेज स्पीड ही निकालते हैं। ये एक एवरेज वैल्यू है ना? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज स्पीड। ठीक वैसे ही एक टर्म है जिसको एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। तो एवरेज स्पीड अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। यस सर। तो एवरेज वेलोसिटी मेरा यहां हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो उस हिसाब से अगर हम बोलेंगे तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर होगा। यस। और एवरेज स्पीड स्केलर होगा, बट दोनों का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा। ये बात समझ आई आप लोगों को? यस सर। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इस छोटे से फॉर्मूले पे एक आध क्वेश्चन देखते हैं।
लिख लिया? हाँ सर। यस सर। आगे बढ़े? यस सर। एक क्वेश्चन करो। सबने लिख लिया तो एक क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, दो मिनट में बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? सर Answer is B. Very good. As simple as this, circular path में semicircle में यहां से यहां गया, तो semicircle में यहां से यहां गया इसका मतलब ये center होगा, ये radius होगा R और ये भी radius होगा R, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया तो ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2R. 2R. तो डिस्प्लेसमेंट मेरा हो गया 2R. टाइम कितना लगा? तो 1 सेकेंड दिया है ना, टाइम 1 सेकेंड दिया है, रेडियस 1 मीटर दिया है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज 2R अपॉन t, r की वैल्यू 1, t की वैल्यू 1, तो 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी हो गई। यस सर। सर थर्ड चिंतित क्वेश्चन क्यों नहीं किया तुम लोग? चलो एक और करो सिंपल सा। आगे बढ़े? यस सर। यस सर।
चलिए एक और कीजिए चिंदी सा क्वेश्चन। दिख रहा है ये क्वेश्चन कीजिए, इसमें ये चारों चीजें नहीं, जल्दी से कीजिए। बोलो आंसर, फर्स्ट का आंसर कौन बताएगा? ये कौन लिखा आंसर फोर? अरे फोर नहीं, चार अलग अलग क्वेश्चन है। हे भगवान, क्या करूं तुम लोगों का मैं। डिस्टेंस कितना होगा? पायर। हाँ, हाफ ऑफ पेरीमीटर पायर होगा पहला का आंसर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टू आर। अभी थोड़ी देर पहले किया था, टू आर होगा। एवरेज स्पीड कितनी होगी? एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यस सर, तो टू आर अपॉन टी। मिल गया चारों आंसर? हाँ सर। था ना चिंदी क्वेश्चन? हाँ सर। एक और करो। इसको सॉल्व करो। Thank you.
बोलो बेटा। बोलना बताओ बेटा। नहीं देख इधर लिखा है कि एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसमें से मान लो ए से बी तक गया, तो उसमें से लिखा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, तो आधा डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस अगर x है तो ये x बाई टू डिस्टेंस, ये x बाई टू डिस्टेंस किस स्पीड से जा रहा है? v1 स्पीड से जा रहा है, जा रहा है। और नेक्स्ट आधा डिस्टेंस किस स्पीड से जा रहा है? v2 स्पीड से जा रहा है। तो आपसे एवरेज स्पीड पूछा है। यस सर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी हम लोग क्या पढ़े थे? एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यस सर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? x बाई टू प्लस x बाई टू हो गया। यस सर। टोटल टाइम कितना हो गया? तो टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी प्लस टाइम टेकन फ्रॉम सी टू बी, ऐसा हो गया। यस सर। तो ऊपर हो गया x, नीचे ए टू सी का डिस्टेंस x बाई टू है और स्पीड v1 है, तो टाइम कितना लगेगा? x बाई टू v1 लगेगा। Yes. वैसे ही x by 2 v2 लगेगा। Yes sir. तो ये x कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। हाँ। ऊपर में x और नीचे में x कॉमन ले लिया, तो LCM मेरा हो गया 2 v1 v2 और ये हो गया v2 plus v1, ऐसा हो गया। Yes sir. x x cancel. Yes. Answer is 2v1 v2
अपॉन वी वन प्लस वी टू, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? यस। कॉपी कर लो जल्दी। और ये स्ट्रेट लाइन में है, तो स्ट्रेट लाइन में है तो वेलोसिटी और स्पीड एक ही होगा। मास्टर आगे बढ़े। यस सर। यस सर। लिख लिया सबने? हाँ सर। चलो अभी एक ही फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है कि एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना ही पढ़ाया है। हाँ सर। और एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड मैं एक साथ आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। एकदम सिंपल इजी चिंदी सा, फटाक से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 था वो, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, और ये हो गया 8। तो ये 5 क्वेश्चन जरा जल्दी से करके बताइए मुझे। लिख रहा है सबको? फटाफट इसमें से समझो, तो मैं एक भी नहीं बताने वाला, जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया हूं। फर्स्ट कीजिए।
हो गया सर, हो गया सर, कहां तक पहुंचे? बोलो, एक एक करके बताओ, फोर्थ हुआ या नहीं? हाँ सर, हो गया। फोर्थ का क्या आंसर आया? बी। 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 सबको अलग अलग आया बी। ये भगवान, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले किया था कि एक सर्कल में आधा डिस्टेंस गया, तो यहां से यहां गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस दैट इज 2r, और डिस्टेंस कितना होगा सर्कमफेरेंस का आधा दैट इज पाई आर। तो आपसे क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट 2r और डिस्टेंस पाई आर, बी आंसर होगा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। फिफ्थ हुआ? हाँ सर, हो गया। क्या आंसर आया फिफ्थ का? बी, 10√3 meter। 10√3 meter, वेरी गुड। सबको बी आया है 10√3, या मैं बताऊं? हाँ सर। यस सर। क्या बताऊं या आया है, क्या बोल रहे हो? जिसको नहीं आया इधर देखो, ये कमरा है, 10 meter इसका लेंथ है, 10 meter इसका विड्थ है, और 10 meter इसकी हाइट है। तो ये हाइट है, समझ लेना। तो मुझे यहां से यहां का डिस्टेंस चाहिए, ये वाला, यही डिस्प्लेसमेंट होगा ना? होगा? यस सर। यस सर। क्या करते हैं, यहां से यहां ड्रॉ कर लेते हैं, और ये ऊपर की वर्टिकल हाइट है, तो ये 90 degree होगी। हाँ सर। और ये भी 90 degree, तो ये 10 और ये 10, तो ये 10√2। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये कितना हो जाएगा? √10² + √2² हाँ सर। तो √300 हो गया। यस सर। यस सर। दैट इज 10√3 हो गया। हाँ सर। हाँ सर। आया समझ में सबको फिफ्थ? यस सर, आ गया। हाँ सर। कॉपी कर लो जिसको करना है। हो जाए तो बोलना, आगे बढ़ू। तुम लोगों ने 6, 7, 8 सब अटेम्प्ट कर लिया? नो सर। यस सर। चलिए नंबर 6 पे आए। सिक्स सबने अटेम्प्ट किया? यस सर। क्या आंसर आया? बी, 24। तो ये अभी किया था ना, 20 km/h से किया और 30 से रिटर्न आया, तो यही मतलब है 20 से गया 20 km/h से x डिस्टेंस गया, और उतना ही डिस्टेंस 30 km/h से रिटर्न आया, है ना? यस सर। तो अभी जैसा किया था वैसा ही है, टोटल डिस्टेंस 2x
टोटल टाइम एक्स अपॉन 20 प्लस एक्स अपॉन 30 यही होगा एवरेज स्पीड। हाँ सर। तो ये हो जाएगा 2 × 20 × 30 जैसे किया था 2v1v2 upon v1 plus v2 upon 50। तो ये हो गया 24 किलोमीटर पर आर आंसर। यस सर। तो 6th इज आल्सो डन। जल्दी से 7th और 8th भी कर लो। सेवेंथ सिमिलर है। अच्छा पहले खुद करो तब सेवेंथ और एट खुद करो फिर बताता हूँ। बोलो सेवेंथ एट हो गया अटेम्प्ट तो बताऊं। डन सर। डन सर। सेवेंथ का बी है 60 किलोमीटर पर आर। सबको आया या बताने की जरूरत है? नहीं सर आता है 60 किलोमीटर आ गया। एट्थ का बताओ। सी आया। इसमें क्या है सर्कुलर पाथ में चलता है ऐसा है सर है ना। हाँ। अगर ये सर्कुलर पाथ में चलता है मतलब जहां से शुरू किया वही पहुंच गया। यस। तो जहां से शुरू किया एक लैप के बाद वही पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। Yes. तो एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ? जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गया। एवरेज स्पीड कितना हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक लैप yes. में डिस्टेंस 2πr चलेगा। हाँ सर। और टाइम कितना लगा? 62.8 सेकेंड। यस। अच्छा रेडियस कितना है? रेडियस 100 मीटर। हाँ। तो ये कितना हो गया 2 × π 3.14 10 मीटर × 100 यस अपॉन 62.8 ऐसा। तो ये दोनों मिला के 6.28 तो ये 10 हो जाएगा। 10 × 100 हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी जीरो। ऐसा कुछ आंसर है?
बी एवरेज स्पीड पूछा है और एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हाँ और स्पीड 10 बी आंसर होगा। हाँ सर, आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। या कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। इसमें से कुछ कॉपी करना है या हो गया? हो गया सर, हो गया, हो गया, हो गया। तो एक और क्वेश्चन कीजिए। एक और क्वेश्चन कीजिए, इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप। दिख रहा है? एट तक लिखा था, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कोशिश कीजिए। Thank you.
आया नाइन्थ का आंसर किसी को? बोलो तो सही, बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग, कैसे पता चलेगा मुझे? ए किसी ने मैसेज किया ए, बाकी लोगों का पता नहीं, देखो सर ए आएगा, ए आएगा, ए आया, सबको ए आया? यस सर, देखते हैं। नो सर, नहीं आया, चलो देखते हैं। सब इधर देखो, आवाज बंद। रेडियस 5 है लिखा है, डायमीटर एडी, तो ए टू डी डायमीटर है और रेडियस 5 है, तो रेडियस 5 है और ये 2 है। ओ, किसकी आवाज आ रही है? ठीक है, तो इसका मतलब पॉइंट बी सेंटर नहीं है, ये बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। देखो मैं ही ड्रॉ कर देता हूँ अलग से। तो देखो ये एक सेमी सर्कल है और रेडियस इसका 5 है, मतलब ये सेंटर है, ये डिस्टेंस मेरा 5 है, मीटर है। यहां से 2 मीटर डिस्टेंस पर, तो ए इस पॉइंट को मान लो हम ओ कह देते हैं, तो पॉइंट बी मेरा यहां पर है और ये डिस्टेंस है 2 मीटर। ठीक है, तो यहां पर ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये वाला पॉइंट है आपका सी। यहां पर ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये वाला पॉइंट है मेरा सी। ठीक है, अब ए टू सी को अगर हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो गया ए टू सी। तो आपको बोला है टू पार्टिकल्स 1 and 2 एट पॉइंट ए एंड बी, एस ए एंड बी सी विथ कॉन्स्टेंट स्पीड u1 एंड u2 रेस्पेक्टिवली। तो ये बी से जो है वो बी टू सी गया u1 स्पीड से, और ये ए टू सी गया u2 स्पीड से। yes. और दोनों पॉइंट सी पर सेम टाइम पर पहुंचता है, तो u1 yes. u2 का रेशियो चाहिए, चाहिए ना? तो u1 क्या होगा, नहीं, वन वाला कौन है, वन वाला पॉइंट ए से, ये वन है ये टू है, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये टू है ये वन है। तो u1 क्या होगा, डिस्टेंस ए सी अपॉन टी, और u2 हमारा क्या होगा, डिस्टेंस बी सी अपॉन टी। यस, तो u1 अपॉन u2 क्या होगा, ए सी अपॉन बी सी का रेशियो। Yes, sir. So u1 upon u2 is nothing but distance AC upon BC का रेशियो। इसमें तो कोई फिजिक्स नहीं है? हाँ सर, ज्योमेट्री है, हो जाएगा अब आप लोगों से।
कि नहीं? देखो ये फाइव होगा ओ टू सी होगा, बी टू ओ थ्री हो जाएगा, तो ये फाइव ये थ्री, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट फाइव स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर फोर हो जाएगा। तो मेरा बी टू सी फोर मिल गया। अब बी टू सी फोर है और ये टू है, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट फोर स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी हो जाएगा। तो ए टू सी मेरा हो गया रूट ट्वेंटी और बी टू सी मेरा हो गया फोर। रूट ट्वेंटी को टू रूट फाइव लिख सकते हैं? हाँ सर। तो ये रूट फाइव अपॉन टू, ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर। मगर ऐसा कोई आंसर तो दिख नहीं रहा मुझे। यस सर, नहीं है। रूट फाइव अपॉन फोर है। एक मिनट रुकने दो, ये रूट ट्वेंटी होगा या कुछ और होगा? सिक्सटीन प्लस फोर रूट ट्वेंटी होगा, ये थ्री ये फाइव तो ये फोर होगा, तो रूट ट्वेंटी अपॉन फोर टू टू या फोर, रूट फाइव बाई टू आंसर दिख रहा है मुझे। नहीं सर। सर फाइव अपॉन फोर पूरा रूट में ऐसा है? एक बार देखने दो मुझे, रेडियस फाइव दिया था या कुछ और? रेडियस फाइव। ये फाइव है ये टू है तो ये थ्री हो गया, अब ये थ्री ये फाइव तो ये फोर हो गया, ये फोर ये टू तो ये रूट ट्वेंटी हो गया, तो रूट ट्वेंटी अपॉन फोर, तो रूट ट्वेंटी अपॉन फोर डी आंसर होगा। डी तो दिया हुआ, ऐसा ही आंसर बेटा दिख रहा है? ओ भाई साहब दिखा कि नहीं आंसर डी? हाँ सर दिखा हुआ है। आया समझ में? हाँ सर। आंसर का डी होगा, ए नहीं, वो राइट हैंड साइड का तो मैं देखा नहीं, मैं बार बार ए बी और सी पढ़ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड वाला ए बी और सी पढ़ रहा था, अभी नजर पड़ी। क्लियर है? कॉपी कर लो इसको अपनी लैंग्वेज में। आगे बढ़े, आगे बढ़े, कुछ तो बोलो बेटा। हाँ ना, आगे बढ़ूं या कॉपी कर रहे हो बताओ तो। अच्छा हो गया, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर टेन, एक और क्वेश्चन कीजिए। देखो आज मैं आपको कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड जो सब आप पहले से भी जानते थे, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ध्यान से देखोगे नया कुछ नहीं पढ़ाया है, जो पुराना आपको आता है उसी को रिवाइज करने की कोशिश करिए। अब एक बार क्वेश्चन नंबर टेन कोशिश कीजिए।
आया किसी को आंसर बेटा? ए अच्छा, बाकी लोगों को? जी सर, जी आया, अलग अलग आ रहा है सबको। चलिए देखिए, मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए देखता हूँ आंसर क्या आता है। अ बॉडी कवर्स फर्स्ट थर्ड पार्ट्स ऑफ इट्स जर्नी विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो मान लो एक आदमी यहां से यहां गया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो फर्स्ट वन थर्ड मतलब टोटल डिस्टेंस अगर एक्स है तो एक्स बाई थ्री, ठीक है, किस स्पीड से? तो 2 मीटर पर सेकेंड से। नेक्स्ट वन थर्ड पार्ट विथ 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये एक्स बाय थ्री 3 मीटर पर सेकेंड से गया, तो बच कितना गया? फिर एक्स बाय थ्री बच गया, ये 6 मीटर पर सेकेंड से गया। yes. तो इस केस में हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यस, तो टोटल डिस्टेंस तो एक्स हो गया, टोटल टाइम का मतलब है टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी प्लस टाइम टेकन फ्रॉम सी टू डी प्लस टाइम टेकन फ्रॉम डी टू बी, यही होगा? हाँ सर। तो ये हो गया एक्स, डिवाइडेड बाय ए टू सी में हो जाएगा एक्स बाय थ्री अपॉन टू, दैट इज एक्स बाय सिक्स, एक्स बाय थ्री अपॉन थ्री दैट इज एक्स बाय नाइन। सबको समझ आ रहा है? यस सर। हाँ सर। और ये एक्स बाय 18, तो ये कुछ ऐसा हो गया, ऊपर एक्स नीचे एक्स, यहाँ एलसीएम ले लिया तो 18, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, 18 1 जा 18, ऐसा होगा? यस सर। एक्स कैंसिल हुआ तो ये 18/6 हुआ विच इज 3 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? सो आंसर ए 3 मीटर पर सेकेंड। कॉपी कर लीजिए जल्दी। आया समझ में या कोई डाउट है? सर वो 3+2+1 वाला समझा हो ना सर, वो नहीं समझा। 6, 9 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 6, 9 और 18 का एलसीएम कितना होगा? कुछ तो बोलो। कर रहा हूँ। 6, 9 और 18 का एलसीएम कर रहे हो सर? 3 होएगा ना सर?
एलसीएम 18 होगा कि 3 होगा, कैसा आदमी है तुम लोग? 18 होगा, 18 होगा सर। तो 18 एलसीएम हुआ? हाँ सर। आया आंसर सबको? जिसने पूछा था आया समझ में? 18 एलसीएम लिया तो 6 3 जाए 18, 3 ऊपर 9, 2 जाए 18 तो 2 ऊपर, 18 1 जाए 18 तो 1 ऊपर। यस सर। जिसने पूछा था आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो चलिए एक असाइनमेंट मैं आप लोगों को होमवर्क में अभी ग्रुप पर डाल देता हूँ। उस असाइनमेंट में 15 क्वेश्चंस हैं और वो केवल और केवल आपका एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इसी से लेना देना है। ठीक है? हाँ सर। यस सर। तो वो आपका होमवर्क हो गया, उसको कर लीजिएगा। yes, चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। Bye sir. Bye sir. Bye sir. Bye.